सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, तो आए हो बच्चे हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि Redmi Note 5 Pro में जो एक नया अपडेट आ चुका है जो कि है ग्लोबल बीटा पर अभी चल रहा है, तो ये जो है आपको शाम तक देखने को मिलेगा। अगर Xiaomi जो है इस अपडेट को सस्पेंड नहीं करेगा तो आपको जो है शाम तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइज इसमें जो है आप देख सकते हैं MIUI 10 9.5.60 आपको इसमें 16 आपको इसमें जो है देखने को मिलने वाला है। तो ये जो है अपडेट आ चुका है अभी जो है, तो मैंने जो है TWRP रिकवरी से इसे जो है फ्लैश कर दिया है। तो आपको मैं इसमें क्या कुछ नया आया है सब कुछ बातें अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन टॉगल में जो है कुछ चेंजेस आप लोगों को दिखेंगे ऊपर, मतलब जो नोटिफिकेशन पैनल होता है वहाँ पर कुछ चेंजेस दिखेंगे। दूसरी बात जो है वोल्टी का आइकॉन जो चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले, और यह जो है गैलरी में अगर आप जो है महीने के हिसाब से देखना चाहती है या डे के हिसाब से देखना चाहती है फोटो, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको सिर्फ जूम करना है। और गाइस सेटिंग में आप लोगों को मैं जाकर और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि डिस्प्ले में जाकर जो है आपको यहाँ पर जो डार्क मोड मिलता था वो जो पहले के मुकाबले जो अच्छे से वर्क कर रहा है, सभी जो है एकदम डार्क आप लोगों के सामने होने वाला है गाइज, इसमें कोई भी चेंजेस और दूसरा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। और तो और गाइज आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जो है कैमरा टू एपीआई इनेबल हुआ है या नहीं, तो गाइज इसमें कैमरा टू एपीआई वगैरह कोई भी इनेबल नहीं हुआ है गाइज, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये अपडेट आ चुका है और इसमें अभी तक मुझे जो कोई भी चेंजेस नहीं दिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बता दूं गेम खेलते वक्त जो है इसका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा हो चुका है। और कैमरे में जो आप लोग जो देख सकते हैं वीडियो के सेक्शन में जाकर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ से जो है सेटिंग में जाकर कि यहाँ पर 4K मिला है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो है कोई भी 4K वीडियो अभी सपोर्ट नहीं मिला है और ना ही आप लोगों को मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो आप जो है इसे एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिएगा। बाकी कैमरा जो पहले के मुकाबले अच्छा वर्क कर रहा है, फ़ोटो वगैरह अच्छे से क्लिक कर पा रहा है और फोकस वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है और गेम बूस्टर वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है काफ़ी। और इसका जो है बेंचमार्क स्कोर आप लोगों को बता दूँ तो अभी मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं बाद में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा क्या आया है इसका बेंचमार्क स्कोर, वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हैं फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। तो ये जो है पहले के मुकाबले अच्छा हो चुका है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट। और गाइज मैं मेन बात आप लोगों को बता दूं कि इसका बेंचमार्क स्कोर क्या आया है, तो ऊपर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जो दिखा दिया है आप लोगों को। और यहाँ थीम के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कस्टमाइज के सेक्शन में आपको कुछ नया ऑप्शन नहीं दिखेगा, जैसे कि बूट एनिमेशन, बूट साउंड, तो ये जो है अभी तक आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइज यही सिर्फ अपडेट में है और अच्छा खासा इसमें कुछ बताने लायक नहीं है अभी तक मुझे लगा, और जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ और पता चलता है मैं आप लोगों को जरूर से इसके बारे में वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग जो है वीडियो मिस ना कर सके। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।